स्थानीय न्यू कामठी पुलिस स्टेशन में तीन आरोपियों पर आपराधिक संहिता की धारा 399 और अन्य गंभीर अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था और सुनवाई की तारीख को आज कामठी कोर्ट में पेश किया गया। इन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर कामठी कोर्ट से फरार हो गया। ये घटना आज दोपहर 1:15 की है। पुलिस ने तलाश की गति बढ़ाकर पारसीपुरा बागडोर नाला के पास कलमना रोड से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी के नाम शेख जाफर शेख मुजफ्फर, उम्र 35 वर्ष, निवासी कामगार नगर कामठी का रहने वाला है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आईपीसी की धारा 399 के तहत दर्ज मामले में नामे शेख जाफर शेख मुजफ्फर, शेख शबीब मोहम्मद, आबिद उर्फ चाटी नाम के तीन आरोपी नागपुर सेंट्रल जेल में पुलिस न्यायिक हिरासत में थे। नागपुर सेंट्रल जेल के पुलिस कर्मियों ने इन तीनों आरोपियों को कामठी की अदालत में लाया और उन्हें जज कोटनीस की अदालत में पेश करने के लिए ले गए। ये तीनों आरोपी में से मोहम्मद जफर नाम का आरोपी हथकड़ी और रस्सियों से मुक्त था। इस बात का फायदा उठाकर वो अदालत से फरार हो गया। फिर वहां उपस्थित पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उक्त दरबारी अदालत की इमारत के पीछे झाड़ियों के बीच से भागने में आरोपी सफल रहा। घटना की सूचना हवा की तरह फैल गई और हर तरफ चर्चा का विषय बनी। आरोपी की तलाश में कामठी पुलिस की टीम युद्ध स्तर पर ड्यूटी पर थी। इस दौरान नवीन कामठी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े, डीबी स्क्वाड के प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक श्याम वारंगे और साथी डीबी टीम ने सफल भूमिका निभाई और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन कामठी रजिस्टर नंबर है 10/21 January 2021 चा गुन्हा आहे, ज्यामध्ये 399/425 आरोपी अटक होते आणि ते काही आरोपी जेलमध्येच आहे अटक पडतो। त्यांची आरोपी पीसीच आज होती, त्यामध्ये शेख जाफर, शेख समीर आणि आकीबाई मद असे तीन आरोपींची आरोपी पीसी मुख्यालयामधून लागली होती। मुख्यालयाचे ASI हवालदार आणि दोन महिला कर्मचारी असे चार गार्ड होती आणि त्यांनी सेंट्रल जेलमधून आरोपी ताब्यात घेऊन कामठी कोर्टामध्ये हजर करण्यासाठी आले होते। कामठी कोर्टामध्ये आरोपींना हजर करते वेळेस त्यांच्या ताब्यात असलेला एक आरोपी शेख जाफर शेख मुजफ्फर हा आरोपी त्यांच्या ताब्यातून कोर्टातून पळून गेला। त्यावेळेस त्यांनी पाठलाग करून पकडण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना सापडला नाही। आम्हाला पोलीस स्टेशनला त्यांनी माहिती दिली, त्या माहितीवरून आम्ही आमचे सगळे स्टाफ अधिकारी बीट मार्शल्स डिटेक्शन त्यांचे अशा सर्वांनी मिळून संपूर्ण परिसर मध्ये शोध घेतला पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये कुठे कुठे पळू शकतो म्हणून। आणि नंतर मग आम्हाला काही टीप मिळाली पारसीपुरा नाला याच्या आजूबाजूला असलेल्या जंगल झुडपामध्ये हा लपून बसलेला आहे, त्या ठिकाणी आम्ही सर्वांनी कॉर्डन केलं आणि संपूर्ण सर्च घेतला तेव्हा आम्हाला त्या झाडे झुडपामध्ये हा मिळून आला, त्याला ताब्यात घेतलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन आलं। ही सर्व मोहीम आमची कंटिन्यू 1:00 अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।